तो आज के प्रोग्रामिंग से हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट टाइम में एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें एरे लिस्ट ने एक मेथड प्रोवाइड करा है जिसका नाम है साइज मेथड। इस मेथड की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट अवेलेबल है या प्रेजेंट है इस मेथड की हेल्प से। तो कैसे करते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिंपली एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे और डाटा टाइप यहाँ पर हमने दे दिया है स्ट्रिंग। यहाँ पर चाहे तो आप इंटीजर, डबल, फ्लोट कोई भी डाटा टाइप ले सकते हैं एज योर डिजायर। ओके, और ऑब्जेक्ट हमने एल ले लिया इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ये हो गया। यहाँ पर हम सेमी कॉलन दें और इसमें हम कुछ एलिमेंट ऐड कर देते हैं। ओके, फटाफट हम कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं इसमें और ये एलिमेंट हम पता करेंगे टोटल इसमें कितने एलिमेंट ऐसे हैं। सिंपली हो गए, तो यहाँ पर हम सिंपली कुछ एलिमेंट ही रखते हैं। ओके, अब हमें इस एलिमेंट को पहले प्रिंट करा लेते हैं जिससे हमें पता भी चले कि प्रेजेंट टाइम में कितने एलिमेंट है। ओके, तो हमने एल दे दिया सिंपली और ये हमारा हो गया। अब हम दूसरे में हम ये प्रिंट करना चाहते हैं कि कितने प्रेजेंट टाइम एलिमेंट एरे लिस्ट में अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम सिंपली दे देते हैं मैसेज साइज करके दे देते हैं। ओके, कंकनेट करते हैं एल डॉट साइज को, यहाँ पे हम यूज करेंगे कि यही हमारा हेल्प करेगा। ओके, ये मेथड हमने दिए एल डॉट साइज, ये हमें पता करेगा कि एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट है। एटलीस्ट अभी हमने 3 दिया है तो हमें ये बताएगा कितने एलिमेंट है। ओके, जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा क्या हो। देखिए, साइज इक्वल टू 3 आ गया जो कि बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने 3 ही एलिमेंट ये ऐड किए हैं, श्याम, स्टुअर्ट एंड जॉन। तो आई होप ये आप इस मेथड की हेल्प से ये समझ पाए होंगे कि हमें ये पता करना हो कि एरे लिस्ट में प्रेजेंट टाइम में कितनी हमारे एलिमेंट अवेलेबल है या प्रेजेंट है, तो हम इस मेथड की हेल्प से, साइज मेथड की हेल्प से ये पता करने में कैपेबल हो पाते हैं।